हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, आप लोग काफ़ी परेशान थे कि कोई टीचर्स की वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए, अभी जो वैकेंसी आई जिसमें शिक्षिका की रिक्वायरमेंट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आप जानते हैं अमेठी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी आई जिसमें पूर्णकालीन शिक्षिका की रिक्वायरमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ शिक्षिका, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब जितनी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं सब में केवल फीमेल कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट है, तो मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, वाइफ हो या फिर सिस्टर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई मेल पर्सन, तो अपने रिलेटिव्स को फॉलो, मतलब शेयर करिएगा, उन्हें फॉलो कराइएगा, और इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सुनिएगा, प्ले लिस्ट जाके चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो आपके काम की वो मैंने कवर किया है। हालांकि मैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता है, इसलिए क्योंकि जो काम किए बस वही बताता हूँ, ठीक है। आप एक बार जाइएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगता है एक बार आपका कमेंट्स आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए आपको आगे बताता हूँ क्या। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी जिसमें वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी मैं बता दूँ, देखिए 26 तारीख को रिलीज़ हुआ है, 26/9/2024 को 13 कस्तूरबा गांधी में वैकेंसी आई है, वो भी संविदा पर है। क्या है संविदा पर? और संविदा पर 25/10/2024 को शाम के 5 बजे तक इनके बताए हुए एड्रेस पर आपका पूरा डिटेल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, फॉर्म। और अब इनका एड्रेस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कैसे भरना है, क्या करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए, अगर आप पूर्णकालीन शिक्षिका, मतलब पूर्णकालीन की बात करूँ, फुल टाइम की, तो मतलब क्या है कि आप सुबह से शाम तक आपकी क्लास लगेगी वहाँ, जब तक क्लास रहेगा तब तक आपको वहाँ रहना होगा। पूर्णकालीन का मतलब ये भी होता है, और ये संविदा की जॉब है जिसमें आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल। अगर आप 25 साल से आपकी एज कम है तो अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? देखिए, आज के डेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और उन्हें केवल मौका चाहिए फॉर्म को रिजेक्ट करने का, अगर ठीक है। अब पहला ज़माना नहीं है कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते, अब ऐसा है कि अगर पूरा परफेक्ट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तभी आपको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब 24,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए? देखिए, अनिवार्यता बोलते हैं, मतलब समझ रहे हैं, कंपलसरी है, एसेंशियल, जिसको बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ से आपने अगर क्या किया है, स्नातक ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड किया, या फिर एलटी या समकक्ष कुछ भी हो, और या फिर उसके बाद आपका सीटेट हो या फिर टेट हो, जो पेपर सेकंड क्वालिफाई है, तो ही अप्लाई करिएगा। अगर शिक्षिका विज्ञान की बात किया जाए तो इसमें वैकेंसी है, सबकी पेमेंट में बताऊँ, जितने भी टीचर्स की है पूर्णकालीन की, 24,200 रुपये है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, जैसे देखिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन है, साथ में बीएड है, साथ में बीटीसी है, बीएड है, उसके बाद सीटेट आपने पेपर सेकंड क्वालिफाई किया तो एलिजिबल है। संस्कृत की बात किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत वाले कैंडिडेट, क्योंकि आप कहते हैं कि सर संस्कृत में कोई वैकेंसी बताइए संस्कृत सब्जेक्ट से, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप भाषा हिंदी या संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी में ही ग्रेजुएशन किए होंगे, और संस्कृत, इन दोनों में होने चाहिए आपके पास, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका टेट, आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। पूर्णकालीन शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए, इसमें भी वैकेंसी है। देखिए, सामाजिक विषय में कुछ सब कुछ आता है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, में से किसी एक विषय से आपने स्नातक किया है, साथ में आपके पास बीएड है और सीटेट पेपर क्वालिफाई या टेट, यूपी टेट क्वालिफाई, तो भी चलेगा। अंग्रेजी का भी है, अंग्रेजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप देखिए, मैं बात बता दूँ आपको, 6 से 8 में आपको, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पहली बात, बीएड होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तीसरी बात आपके पास सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो ही फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हैं, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा, आप इसमें नहीं भर पाएंगे। अंशकालीन शिक्षिका कला, क्राफ्ट और संगीत, देखिए कला, क्राफ्ट और संगीत की वैकेंसी भी आई है। जो लोग कहती हैं फिर कैंडिडेट की, सर कला और क्राफ्ट की वैकेंसी बताइए, जिसमें आपका भी बताते नहीं, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो गृह शिल्प, जैसे कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक हो तथा एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त बीएड, आपने बीएड किया हो, ये चीज़ें हैं तो चलेगा। इसी तरह अंशकालीन शिक्षिका, स्काउट गाइडिंग और शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए, जिसमें एज भी देखिए, सबकी एज कॉमन है, 25 से 45 साल होनी चाहिए, जिसमें बीपीएड होना चाहिए, सीपीएड होना चाहिए, डीपीएड होना, एनपीएड होना, ये सब होना चाहिए। अंशकालीन शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षक की बात किया जाए, यहाँ भी वैकेंसी है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए, समकक्ष एलटी से अतिरिक्त पीजीडीसी, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें से कुछ होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल है। लेखाकार की बात किया जाए तो यहाँ पे वैकेंसी है,
लेखाकार की अगर मैं बात करूँ, वाणिज्य स्नातक वाणिज्य एमएस ऑफिस पर कार्य आना चाहिए, और सहायक रसोइया की बात किया जाए तो आठ पास होना चाहिए, 6,433 रुपये मिलेंगे पर मंथ। अब देखिए मैं बता दें, 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल को आप 25 साल के कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखने जाएगा। अगर देखिए आपका कैसे सेलेक्ट किया जाएगा वो भी सब कुछ यहाँ मेंशन किया है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन प्रशिक्षणिक, और इसके अलावा जो भी अगर आपने कहीं पढ़ाए हैं उसका जो मेरिट बनती कैसे उसका यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको समझना है कि मेरिट बनती कैसे, आप मेरिट में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो इसका वीडियो डिटेल से बना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ वीडियो मिल जाएगी देखने, ठीक है। अब आगे हम जो बात करें, बहुत काम की है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ का आपको डिटेल मिले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट, और जाकर वहाँ फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, मेरा नाम अनुराग है, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें मिल सकते हैं फेसबुक पर जाकर, ठीक है, चले जाइएगा वहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर, देखिए यहाँ पर सारी शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थी के आवेदन पत्र विचार किया जाएगा जिनके स्नातक के विषय में विवरण दी दी गई सभी जानकारी सही होगी। याद रखिएगा 45 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस फार्म को जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इस फार्म जो जो भरना है वो भर लीजिएगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन भरिएगा सारी डिटेल, इसकी फ़ोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी पर आपको करना क्या है, उस फोटोकॉपी पर आपके साइन होने चाहिए, उस सिग्नेचर होने चाहिए, और इनके बताए हुए एड्रेस पर ही आपको सेंड करने हैं। कौन सा एड्रेस है, 45 रुपये का डाक टिकट लगाना है, और इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही फार्म को भरे, बाद में आप कहेंगे सर मेरा स्कोर भी अच्छा है फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होने का कारण क्या है कि आप चीज़ को पढ़ेंगे नहीं। जब 12 13 14 15 और 16 जो लिखा है यहाँ पर उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए स्नातक के 3 वर्ष का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिल्कुल बात किसी, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, नवीन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्व प्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना चाहिए अनिवार्य। समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा, साथ में 45 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा। लिफाफे में अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक फार्म के लिए एक ही लिफाफे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही मतलब कई फार्म भरना है, मतलब कई पोस्ट के लिए अप्लाई करें एक ही लिफाफे में घुरे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है, और क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ये पूरी यहाँ पर मेंशन किया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सही कामों में व्यस्त रहिएगा, यही आशा है और इच्छा भी है। धन्यवाद।